हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेतिफा संडे चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी अनारकली लहंगा बनाने का एकदम सरल तरीका, सिंपल तरीका, जैसे कि आप बहुत ही आसानी से घर पे बना पाएंगे। और इसको हम दोनों साइड से लूप्स लगाएंगे, डोरी डालेंगे। तो एक बहुत ही नए तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही एकदम सिंपल सा तरीका है। और इसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है, लाइनिंग का पार्ट है, सारी कटिंग मैंने इसमें आपको दिखाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको 4 फोल्डेड पेपर पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, ये हो गई मान लीजिए 38 इसकी लंबाई, ठीक है। और यहाँ से ये हो गई इसकी 38 लंबाई, ठीक है। यहाँ बीच से भी आपको वैसे ही नापना है, वैसे ही पॉइंट लेना है। ये हो गई, तो ये टोटल लंबाई कितनी है, ये हो गई 38। कमर कितना है, कमर का चौथा भाग होता है, उसमें आपको प्लस 6 इंच करना है। तो कमर है जैसे मान लीजिए 40 साइज, तो 40 प्लस 6 हो गया ये 46 है। 46 का चौथा भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो ये 11.5 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी कमर कम है, 36 इंच है, तो आपका ये 9 इंच होना चाहिए, ठीक है ना। ये गोलाई जो है ना, ये टोटल गोलाई 9 इंच होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अब ये जी तीनों पॉइंट है, इसको हम ऐसे मिला देंगे और फिर दोनों को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अनारकली लहंगा जो है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इस तरफ से ये थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे ये जॉइंट हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप कपड़े पे कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो फैब्रिक था ना, उसको मैंने देखिए 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये है डबल फोल्डेड, ठीक है। डबल फोल्ड में फोल्ड करना है फैब्रिक को, अगर आपके पास अच्छा पहना है तो। उसके बाद में जो फोल्डेड साइड है ना, जहाँ पे हमारी ये फोल्डेड साइड है, ऐसे कॉर्नर्स हैं, यहां से हम जैसे देखिए ये हमारी साइड है, ठीक है। यहां से हम 14 इंच नीचे, अब आप ये देख सकते हो, ये हो गया 14 इंच नीचे, एक पॉइंट लगा दिया मैंने। इसको यहीं पे पकड़े रखेंगे, फिर यहां से 14 इंच पे, 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 फिर यहां से 14 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि मैंने ये लगाया हुआ है, देखिए ये यहाँ, तो ये इस तरह से मैंने इसको पॉइंट लगा दिया है 14-14 इंच का। और अब सारे पॉइंट्स को हम मैंने इस तरह से मिला लेना है। तो ये देखिए, ये अपनी टोटल लाइन हो गई है। अब इसको मैं ना ऐसे देख लूंगी, देखिए यहां से मैं देखती हूँ इसको इस तरह से फोल्ड करके कितनी कमर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20-20.5 आती है, और ये 40 इंच जो कमर है वो रेडी जगह जाएगी, ठीक है। यहां से अब हम अपनी लेंथ लेंगे, यहां से टोटल जितनी आपको लेंथ लेनी है, तो ये लेंथ है 37। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो आप इंची टेप देख रहे हो, ये है 37 का। तो वो देखिए, वो है ये जो लेंथ है, ये 37। तो 37 को हम इस तरह से इसको ना स्क्वायर में ऐसे गोल, पहले मैं मार्क लगा लेती हूँ 37 का। ये जो आपको पिंक कलर वाली लाइन दिखा दे रही है, इस लाइन से टोटल 37 का मार्क करके फिर हम कटिंग करेंगे। पॉइंट जो हमने लगाया है वो 37 वाला। तो ये है हमारे 37 का पॉइंट, जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, ये वाली लेंथ होगी। तो इससे कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, गोलाई थी नीचे की, उसको मैंने कट कर लिया है। उसको हम उस साइड में लगाएंगे जो हमने कटिंग करके निकाला है। ये जो कट वाला पार्ट हमने इस तरफ से निकाला था ना, यहाँ से, उसको मैंने यहाँ लगा दिया है। और इसको डबल करके ऐसे, और हम इसके थोड़ा नीचे कर देते, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इस गोलाई से ऐसे चलते हुए देखिए, इसे
और ऊपर से जांच लें इंची टेप से कि आपका 37 ही है ना। तो इस तरह से ये यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर से ना जांच लेंगे हम 37 पे पॉइंट लगा देंगे और योग्य 37 और इस तरह से इसकी गोलाई लगा देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये यहां से देखिए गोलाई में ऐसे इसमें सेट हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा उसको कट करके और इसको हम इसके अंदर जॉइंट कर लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। तो ये जो टोटल लंबाई है ना इसकी, ये जो टोटल लंबाई है ये है 37 और वो हम उसमें जॉइंट डाल देंगे। एक कॉर्नर पे इसमें जॉइंट आता ही है तो इसका फूल आप जो सी ना वो देख सकते हैं। तो इस तरफ से हमने कटिंग करके निकाला और वहां पे इसको जॉइंट कर दिया और ये कमर का पार्ट है और ये इसके लंबाई का पार्ट है। नीचे से मैंने इसको कट कर लिया है तो अब मैं इसको ऊपर से कटिंग कर लेती हूँ जो कमर का पार्ट्स है। तो इस तरह से हम कमर का जो पार्ट्स होता है वो अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करके अलग कर देते हैं। ये लीजिए ये सारा हमारा जो है ना वो कटिंग हो चुका, आप देख सकते हो। नीचे की साइड में वहां पे हमने जॉइंट डालना है और बाकी का जो स्कर्ट है वो यहाँ पे पूरा कटिंग हो चुका है। तो ये मैंने स्कर्ट कटिंग कर लिया है नीचे का। अब मैं सबसे पहले वो वाला जॉइंट है इसको जॉइंट करती हूँ। देख सकते हैं मैंने स्कर्ट को कटिंग कर लिया, वहां पे वो थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो उस जॉइंट पे मैं पहले सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद में आप इसकी दोनों साइड्स को जॉइंट कर लें। ये जो दोनों साइड्स है ना वो एक एक सिलाई लगानी है, नीचे से इसको फोल्ड करना है और पहले वो वाला जॉइंट्स लगाना है। तो ये सिलाई कर लेते हैं उसके बाद में लाइनिंग का पार्ट हम इसके साथ अटैच करेंगे। देख सकते हैं मैंने इसको जॉइंट कर लिया है और नीचे से मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया है तो ये पूरा अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम इसके अंदर लाइनिंग जॉइंट करेंगे। तो चलिए फिर पहले लाइनिंग की कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो लाइनिंग का पार्ट है मैंने पेटीकोट का पीस लिया है जिसको कि हम घेर में भी इस्तेमाल करेंगे और जिसका कि हम ऊपर जो टॉप पार्ट बनाएंगे उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या है कि लाइनिंग का पार्ट्स कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैंने ऐसे खोल लिया है और खोलने के बाद लाइनिंग के पार्ट्स को हम पेटीकोट की जैसे लेयर इस्तेमाल करते हैं ना वैसे इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल सिर्फ लेंथ देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 37। तो ये आ गया है 37 और 37 पे ही हम इस तरफ पे मार्क कर लेंगे। ये आ गया 37। अब इस पार्ट्स को हम यहां से पकड़ करके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट कर लेंगे। इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैंने निकाल दिया है। अब यहां से मैं इसकी 6 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी। और इस तरफ में मैं अपोजिट साइड पे 6 इंच पे पॉइंट लगा दूंगी। फिर इसको यहां से ऐसे पकड़ करके इसको ऐसे तिरछा करेंगे फिर ऐसे घर डाल करके इसको कट कर लेंगे। तो ये जो लाइन आई है ना ये वाली इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी इसके ऊपर बिल्कुल बराबर में ऐसे और इस तरफ को जांच लेंगे। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये जो कटिंग वाली साइड होती है ना ये थोड़ी एक्स्ट्रा होती है तो इसको मैं 1/2 इंच का पॉइंट लगा करके और यहां से कट कर दूंगी। तो ये देख सकते हो आप ये 1/2 इंच का पॉइंट हो गया यहाँ पे और फिर आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कट कर दें।
इससे क्या होता है कि जो पेटीकोट नीचे से ना एक बराबर होता है, तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब हमारे सारी लेयर एक जैसी है, हम सभी को ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये 8 लेयर हो जाती हैं, देख सकते हो। ये हो गई 4 लेयर, ये देखिए 2, 4 ये छोटी लेयर है और ये 2 बड़ी ज्वाइंटेड लेयर होती है। तो इन दोनों लेयर के साथ में ये चारों लेयर ज्वाइंट कर देंगे और जैसे हम पेटीकोट सिलते हैं वैसे इसको सील करके लाइनिंग के लिए तैयार कर लेंगे, नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा लाइनिंग तैयार हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर लाइनिंग ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइडों से मैंने 1-1 इंच का इसको ओपन रखा है। ये देखिए 1-1 इंच का ऊपर से जो कमर का हमारा पार्ट है वहां पे हमने मैंने इसको ओपन रखा है और ये है लाइनिंग का पार्ट्स, तो इसको भी मैंने सील करके तैयार कर लिया है और नीचे से मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया है। तो ये है हमारी लाइनिंग का पार्ट्स। अब क्या करेंगे, जो ये वाली ओपन साइड है ना, ये वाली ओपन साइड, इसके अंदर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो आप चाहे तो सुलटे पे सुलटा जॉइंट कर ले और इस तरह से भी हम इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसको जॉइंट करके फिर अंदर की ओर जो है ना इसको फोल्ड कर दूंगी। तो ये एक सिलाई हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ठहरिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी एक सिलाई लगाऊंगी, बराबर करके और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली एक सिलाई लगा देते हैं, फिर लाइनिंग के पार्ट्स को हम अंदर डाल देंगे। सेम ऐसी ही सिलाई इस तरफ भी लगाएंगे, ये देखिए 1-1 इंच खुला है इस तरफ भी, तो इसको भी यहाँ पे अटैच करके फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो ये देखो मैंने इसको इस तरह से सील दिया है और अब इसको सीधा करने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये साइड्स आपकी इतनी सी ओपन रह जाएगी और ऊपर में हम इसकी बेल्ट लगा देंगे, तो ये साइड हल्की हल्की ओपन रहेगी। तो इसको आपको ऊपर बैठने वाली एक सिलाई लगा देना है और इस तरह से ये आपका साइड ओपन रह जाएगा। तो दूसरी साइड भी मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और फिर इस पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। कमर में है ना ये वाली साइड, इसको एक सिलाई लगा करके पूरा अंदर में इसको अटैच कर देंगे। देखिए तो ये इसके ऊपर की साइड हो गई ये वाली और ये अंदर में लाइनिंग हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, अंदर की ओर डाल दिया है लाइनिंग के पार्ट्स को, ठीक है। और ये देखिए ये जो साइड कॉर्नर्स है ना ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो अब मैं इस पे पिन लगा लेती हूँ फिर से, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर करके और मैंने इनको पिन अप कर लिया है, ठीक है ना। ये देखिए ये एक पार्ट्स हो गया। अब हम एक पट्टी लेंगे, तो ये देखिए ये मैंने ली है 4 इंच की पट्टी, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया तो 2 इंच की हो गई है। और अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे इस साइड में, ऐसे एक सिलाई लगा करके, और ऐसे एक सिलाई लगा के अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फोल्ड करना बताऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया पट्टी को, ठीक है ना। और अब हमें इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो जैसे आगे से फोल्डेड है ना वैसे ही हम इस तरह से इस तरफ भी इसको फोल्डेड, और बस ये आगे आगे की साइड में, अभी ये पट्टी जो मैंने लगाई है ना वो सिर्फ आगे आगे की साइड में लगाई है। इसी तरह से हम ये जो बैक साइड है ना इस तरफ भी अलग से पट्टी लगाएंगे, तो आगे की अलग और पीछे की अलग पट्टी अटैच करेंगे इस। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो अम्ब्रेला लहंगा तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा लाइनिंग के साथ में और एकदम नए तरीके से। आपकी कमर कितनी भी कम या बड़ी हो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये मैंने इस पे लूप्स भी लगा दिए हैं दोनों साइड में, आगे से और पीछे से डोरियां डाल दी है, डोरियों को आप साइड में लॉक कर सकते हो और लूप्स भी लगा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह से अपने घर पर बनाना। थैंक यू।